रैंप पर वॉक फैशन और स्टाइल का जलवा बिखेरते हुए नजारा है महिपालपुर स्थित उमराव होटल का, जहां पर मिस्टर एंड मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए करीब 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लेकिन कई राउंड के सवाल जवाब और रनर अप के बाद दिल्ली के रहने वाले वरुण ने मिस्टर इंडिया 2021 और मिस इंडिया 2021 का खिताब मिस करीमा ने अपने नाम किया। फैशन की दुनिया में एक बार फिर दिल्ली का नाम रोशन हुआ। हालांकि इस कॉन्टेस्ट के लिए आयोजकों ने देश भर के अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों को ऑडिशंस के जरिए कॉन्टेस्ट में शामिल किया। इस कॉन्टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई प्रोफेशनल मॉडल या कलाकार नहीं थे। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। अरबाज खान इस कॉन्टेस्ट में एक जज की हैसियत से पहुंचे थे और उनके सामने सभी प्रतिभागियों ने रैंप पर चलकर फैशन और स्टाइल का जलवा बिखेरा। फैशन और स्टाइल के इस कॉन्सेप्ट में लोगों को कई राउंड से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिर में मिस्टर इंडिया 2021 की बाजी दिल्ली के रहने वाले वरुण और मिस इंडिया 2021 का खिताब मिस करीमा ने अपने नाम किया। If there is ever an opportunity, कभी कभी हम टैलेंट नोटिस तो करते हैं, लेकिन जिस किस्म की हमारी कहानियाँ बनती हैं, जिस किस्म के हमारे रोल्स होते हैं, हम उस हिसाब से हमको कास्ट करना ज़रूरी होता है। टैलेंट तो हम देख लेते हैं, लेकिन फिर वो कैसे हमारी फिल्मों से जुड़ते हैं या वो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मौका मिलेगा तो इनमें से ही कोई बच्चा हो सकता है कि हमारी फिल्मों में आ जाए। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने देखा का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट बॉलीवुड से पड़ता है, बस अपने आप को बिजी रखें। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये लॉकडाउन में भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मानसिक प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, इस वजह से भी हुए कि लोगों का माइंड जो था वो ऑक्यूपाइड नहीं था और वो डिस्ट्रैक्टेड था और फिर बहुत सी नेगेटिविटीज़ थी। जब आदमी काम में लग जाता है, जब किसी चीज़ में ध्यान देता है, तो उससे बाकी चीज़ें हट जाती हैं। कहीं ना कहीं जाके अपने आप को बिजी रखें, कुछ ना कुछ हॉबीज में, स्पोर्ट्स में, पढ़ने लिखने में, थोड़ा कुछ अच्छा देखने में। उससे क्या होगा कि यूथ विल हेल्प देयर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। बेसिकली स्काईवॉक प्रोडक्शन इज अ मूवी प्रोडक्शन एंड अ कास्टिंग कंपनी, एंड बॉलीवुड में हम पिछले 12-13 सालों से काम कर रहे हैं। सेलिब्रिटी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे कि अरबाज खान, अदिति गोत्रीकर, ऐसे कई स्टार्स हैं जिसके साथ हमारी कंपनी काम करती आ रही है, सिर्फ ये लॉन्च पैड, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स आज हमारे पास 100+ पार्टिसिपेंट है पूरे देश से, एंड न्यूयॉर्क से, लंदन से, दुबई से, जर्मनी से, वी हैव लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट इंटरनेशनली एज वेल। सो हमारा एम ये है कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का लॉन्च पैड दें, तभी हम ऐसे इतने रिस्पेक्टेड ज्यूरीज को, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को हमारे शो में बुलाते हैं, ताकि हम उनको आगे भेज सकें। आई थिंक सर, मैंने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ ड्रीम, आई थिंक, और जब से मैं आई थी मेरी आंखें क्राउन पर ही थी, थिंकिंग कि कब मुझे मौका मिलेगा। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं जीत चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द गुड विशेस, आई होप दैट यू ऑल एंजॉय द शो दैट वी पुट अप। थैंक यू। ढंग से काम करेंगे तो जीत क्यों नहीं हासिल होगी? आप जीत गए हो, आप विनर हो जी सर, इंडिया बनते। Sir, most importantly, I'm happy that my mother had the expectations that I'll perform well in this competition. So I'd like to say via the media of through you all that mom, I have finally done it. So thank you so much. संवाददाता आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।